अब बात दिल्ली से। दिल्ली में मुख्यमंत्री वर्सेज उपराज्यपाल के मामले में गुरुवार को सुप्रीम फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री ही किंग होगा और एलजी का पद घटाते हुए सीएम को पावरफुल बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन किया था, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को पावरफुल बना दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल को सरकार की सलाह मानने और पुलिस पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र सरकार के अधीन ही रखा है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इस फैसले की सराहना की और इसे लोकतंत्र की जीत बताया। साथ ही कहा कि अब दिल्ली का विकास कई गुना तेजी से होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग के सचिव आशीष मौर्य को पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं। उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। आज से 8 साल पहले 23 मई 2015 को हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी। फरवरी मार्च अप्रैल मई 3 महीने के अंदर सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जैसी हमारी सरकार बनी 67 सीट आई। 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो एलजी के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में आज दिल्ली सरकार से संबंधित शक्तियों को लेकर के जो आदेश आया मैं उसका स्वागत करता हूँ। और एक बार ये बात दोबारा सिद्ध हो गई है कि जो बात निरंतर दिल्लीवासी सरकारों से पूछ रहे थे कि आखिर एलजी और मुख्यमंत्री की लड़ाई में दिल्ली की जनता पिस क्यों रही है। बार बार ये देखा गया, मुख्यमंत्री जी से जब जवाबदेही होती थी तो वो एलजी कार्यालय और एलजी साहब से जब पूछा जाता तो मुख्यमंत्री पर आरोप एक दूसरे पे मढ़ा करते थे। अब बिल्कुल तय हो चुका है कि दिल्ली की जो ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले हों या दिल्ली से संबंधित विकास की बात हो, सरकार काम करेगी। और मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेवारी से अब पल्ला नहीं झाड़ेंगे। साथ ही साथ भाजपा की वो नीति, भाजपा का जो एक तानाशाही रवैया कि प्रदेशों की जो सरकारें हैं उनको कमजोर करना, उनकी शक्तियों को छीनना, उन पर भी शायद ये फैसला अंकुश लगाने का काम। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में अपना फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया है कि नौकरशाही पर दिल्ली सरकार का ही नियंत्रण होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर्स को छोड़कर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार ही माननी होगी, यानी कि अब राजधानी दिल्ली के नए बॉस होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, न कि उपराज्यपाल। दिल्ली से ज्योति सिंह, A1 News।